निगाहे मुफ्तिये कच्छ में वो तासीर देखी, निगाहे मुफ्तिये कच्छ में वो तासीर देखी, बदलती कच्छ वालों की तकदीर देखी, बदलती कच्छ वालों की तकदीर देखी। मेरे प्यारे भाइयों सुन लो, मुफ्ती आज़म कच्छ रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह ताला ने वो शान रखी है, मुफ्ती आज़म कच्छ अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है, और बाबा साहेब रहमतुल्लाह अलैह की शान मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो मकाम है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। और मुफ्ती आज़म कच्छ रहमतुल्लाह अलैह किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि उनकी शान को अल्लाह और उसके रसूल ने बुलंद फरमाया है। आप सब जानते होंगे कि मुफ्ती आज़म कच्छ रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने क्या मकाम अता फरमाया है, क्या अल्लाह ने उनको शान अता फरमाई है कि हम बयान नहीं कर सकते। हम खुश नसीब हैं कच्छ वाले कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऊंची हस्ती हमको अता फरमाई है। तो कोई भी उनकी शान को घटा नहीं सकता, कोई भी उनकी शान को कम नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ये मकाम ये शान किसी इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाई है। और मुफ्ती आज़म कच्छ की शान क्या है, इसके लिए यही एक वाक्या काफ़ी है कि एक अरब आलिम को मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और कहा कि तुम जाओ, कच्छ से मेरा एक बेटा आया है जिसका नाम है अहमद शाह, उसको जाके मेरा सलाम दो। लोगों इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि वो हस्ती जिनको मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भेजें कि मेरा सलाम अहमद शाह को कहना, वो ज़ात कोई मामूली नहीं हो सकती। उनकी शान बहुत ही बुलंद और बाला है कि जिनको अल्लाह के नबी सलाम भेजते हैं, अल्लाह के रसूल जिनको सलाम भेजें, तो किसी की ताकत नहीं हम में से कि हम उनकी शान को घटा सकें। कुर्बान जाएं हम मुफ्ती आज़म कच्छ रहमतुल्लाह अलैह की शान पर, ज़ात पर, कि जिनको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भेजें। कुर्बान जाएं हम उन पर, और हम फ़ख्र करें खुद पर कि अल्लाह ताला ने हम कच्छ वालों को अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसी ज़ात अता फरमाई है। तो दोस्तों हम कभी भी इनकी शान को घटा नहीं सकते, कोई भी कोशिश करे तो उनकी शान घट नहीं सकती, क्योंकि इनकी शान को बढ़ाया है अल्लाह और उसके प्यारे नबी ने। अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कच्छ वालों के लिए सबसे बड़ी नेमत हैं कि कच्छ में अंधेरा ही अंधेरा था, जलालत ही जलालत थी, गुमराह ही गुमराही थी, अल्लाह ताला ने ऐसा प्यारा चांद ऐसी प्यारी हस्ती हमको अता फरमाई कि कच्छ वालों को दीन से रोशन फरमाया और गुमराही से बाहर निकाला, हर तरफ गुमराही थी। तो अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये ज़ात है, ये तो मैंने थोड़ा कुछ बयान किया है, पूरा तो उनकी शान में बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बयान किया है कि अहमद शाह बुखारी की ज़ात पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लो कि अहमद शाह बुखारी ये हैं कि जिनको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भिजवाया है, तो वो ज़ात कोई मामूली नहीं हो सकती, वो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकबूल है।